खाना को परोस लिया। कीर्ति से अभी चेक करवाते हैं कि कैसा बना हमारा तड़का और चावल। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग में हम आप लोग से शेयर करेंगे चना के दाल के तड़का। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दाल के हम 2 घंटा पहले फूलने के लिए डाल दिए थे। अगर दिन में बनाइएगा तो रात में डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पास चना के दाल बहुत कम था, तो इसी वजह से हमारे पति ने इसे मसूरी के दाल मिक्स कर दिए। तो चलिए, अब हम चलते हैं मसाला को रेडी करने पर। तो मसाला में रेडी करेंगे, सबसे पहले लहसुन निकाल लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे जीरा और मरीच। अब हम डाल देते हैं 2 गो दालचीनी, 1 गो इलायची। चलिए, तब हम इतना पीस के लाते हैं, बचा हुआ मसाला ऊपर से मिला देंगे। खाली मसाला पीस के ले आए हैं और इधर दाल भी धो के निकाल लिए, प्याज व्याज काट लिए, हरा मिर्ची, टमाटर वमाटर। चलिए, तो आप गैस के पास चलते हैं। कुकर में बनाएंगे तो कुकर को चढ़ा दिए हैं, तेल डाल देते हैं इसमें। तो तेल गर्म हो गया, फ़ौरन में डाल देते हैं जीरा, हरा मिर्ची, प्याज। चलिए, तो फ़ौरन को अच्छा से फ्राई होने देते हैं। तो फ़ौरन में सब चीज़ जल गया है, इसमें डाल देते हैं दाल को, डाल देते हैं। तो चलिए, दाल को भी 2 मिनट तक अच्छा से फ्राई कर लेते हैं। तब तक दाल फ्राई होगा तब तक मसाला में हम निकाल लेते हैं। बचा हुआ मसाला में निकालेंगे 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। फाइनली हमारा मसाला रेडी है। तो फाइनली इधर दाल भी फ्राई हो गया है। चलिए, मसाला डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं तन के। बस फिर मसाला को अच्छा से दाल के साथ मिला लेते हैं। फाइनली इधर मसाला ही फ्राई हो गया है, तो इसमें अब डाल देते हैं हम टमाटर। टमाटर डाल दिए हैं, अब डाल देंगे इसमें नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। 2 मिनट तक और हम फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छा से गल जाए, मसाला वसाला के साथ मिक्स हो जाए। तो फाइनली 2 मिनट हम अच्छा से फ्राई कर लिए, मसाला दाल सब चीज़ एक साथ। चलिए, अब हम पानी डाल देते हैं अच्छा से फ्राई होने के बाद। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा मिला लेते हैं। उसका ढक्कन लगा लेते हैं और 5-6 सीटी लगा लेते हैं, क्योंकि चना की दाल थोड़ा सा लेट से ही सीझता है। तो फाइनली ढक्कन भी लगा दिए हैं। चलिए, तो हम सीटी लगने देते हैं, 6 सीटी। तो फाइनली 6 सीटी लगा लिए। चलिए, तो गैस को बंद करते हैं और सीटी में से गैस को निकलने देते हैं, उसका ढक्कन खोलेंगे। फाइनली सीटी में से गैस भी निकल गया है। तो चलिए, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो अभी हम मटर उबाले हैं ना, इसी वजह से मटर का ये आ गया है, तो गंदा लग रहा है देखने में। तो हम देख लेते हैं हुआ है या नहीं हुआ है, तो लगता है सब चीज़ हो ही गया है। चलिए, तो अब हम इसको उझलते हैं बाटी में। खाली कुकर में से तड़का को हम निकाल लिए एक ठो बाटी में, और देखिए तड़का बहुत ही मस्त लग रहा है कलर देखने में। चलिए, तब हम परोसते हैं और उसके बाद टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना है तड़का। यानी देखिए, इधर हम खाना को परोस लिया, कीर्ति से अभी चेक करवाते हैं कि कैसा बना हमारा तड़का और चावल। देखिए, कीर्ति इधर हमारी खा रही है, पूछते हैं कैसा बना बेटा। अच्छा। अच्छा है, देख के ऊपर ताक के बोलो ना। अच्छा। अच्छा, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये तड़का का वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।